सो दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप। थंबनेल देख के तो आप लोग को पता चल ही गया होगा। लास्ट टू डेज वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने। इट्स गोइंग टू बी अ मेमोरेबल ट्रिप फॉर मी। आफ्टर डैट इट्स द लास्ट डे, सो या थोड़ा सा इमोशनल लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था दैट वी आर गोइंग टू मीट आवर पेरेंट्स सून, क्योंकि बहुत दिन तक दूर रहना पॉसिबल नहीं है जबकि आप लोग हमेशा साथ रहते हो। एंड वी वॉज ऑल आउट फॉर अवर प्रोजेक्ट वर्क, दिस इज़ द पर्पज वी केम हियर, जिसके लिए आए थे वही काम के लिए आज निकले थे। एंड द टाइम वॉज पासिंग सो फास्ट कि मुझे वीडियो क्लिप ज़्यादा लेने के लिए नहीं मिला, बट या वी हैड सम क्लिप्स जिसके लिए मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ। दिस इज द इंस्टीट्यूट वी केम एंड वी वॉज मूविंग फॉरवर्ड टू सी सम लोकल ब्रीड ऑफ एनिमल्स। वहाँ के लोकल ब्रीड में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था गॉट, विच वॉज नोन एज सिंगारास गॉट। After watching the local gods, we went to the dairy section. वहाँ पर हम लोगों ने देखा था local breed of Siri, जो कि वहाँ पर मिला जाता है। After that, we went forward and हम लोग देखने जा रहे थे कुछ local plants, वो लोगों ने कुछ experimental plants लगाए थे so that they can change in their food habit. And यहाँ पर कुछ experimental plants जो वो लोगों ने लगाए थे वो हम लोग देख रहे थे। The day was so informative, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था because it was really helpful, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड यहाँ पे मैं क्या क्लिप ले रही हूँ मुझे भी पता नहीं बिकॉज द डे वॉज सो सनी। इसके बाद हम लोग आ गए थे देखने के लिए लोकल ब्रीड ऑफ पिग्स। पिग्स तो बहुत ज़्यादा क्यूट थे, क्यूट इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज ह्यूमन के बच्चे हो या फिर एनिमल के बच्चे तो क्यूट होते हैं, दैट्स व्हाट आई बिलीव। एंड या इट वॉज सो क्यूट एंड वी हैड सच ए इन्फॉर्मेटिव डे, इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ सीखने को मिला एस आई सीड। आफ्टर डैट हैविंग ऑल दिस सेशन वी वेंट फॉर आवर फोटो सेशन। आफ्टर गैदरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन फॉर आवर प्रोजेक्ट वी वेंट फॉर आवर फोटो सेशन। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ फोटोज लिए थे एक साथ एंड दैट्स हाउ वी एंडेड आवर ट्रिप। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक it, do like, comment, share and subscribe. Bye bye.